बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं, और जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं ये वो नियुक्ति पत्र हैं जिनका जिनकी पूरी प्रक्रिया एनडीए के शासनकाल में पूरी हो चुकी थी, जिनका विज्ञापन निकला हमारे कार्यकाल में, जिनकी प्रक्रिया पूरी हुई हमारे कार्यकाल में, और आज आप नियुक्ति पत्र बांट कर महागठबंधन को श्रेय देने का प्रयास कर रहे हैं। और महागठबंधन ने तो ये ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देंगे, बताएं मुख्यमंत्री जी क्या हुआ 10 लाख नौकरियों का, और अभी कैबिनेट की पहली बैठक में देने की बात हुई थी और संविधान को समाप्त करने की बात कही गई थी, और कल ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,000 लोगों को संविधा पर नियुक्त करने का ऐलान किया गया है। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा है। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी की घोषणा नहीं की थी बल्कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का ऐलान किया था। आपकी घोषणा तो सरकारी नौकरी की है, रोजगार की नहीं है, और साथ ही साथ जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। जो शिक्षक हैं उनको दीपावली छठ पर वेतन नहीं मिलेगा, 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया। तो जो सरकार शिक्षकों का, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के पेंशन और वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही है, और 10 लाख लोगों की बहाली कहाँ से करेगी, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएगी।